हेलो दोस्तों, ये जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है और ये गेट 2014 में आया, 2 नंबर का है, बहुत अच्छा है। इसमें कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट होगा, ठीक है, कंसेप्चुअल है, अच्छा है। कह रहा है कि इन ए सर्वे 300 रिस्पोंडेंट्स, ठीक है, वर आस्क वेदर दे वर व्हीकल्स और नॉट, इफ यस दे वर फर्दर आस्क टू मेंशन वेदर दे ऑन ए कार और स्कूटर और बोथ, देयर रिस्पॉन्सेस आर टेबुलेटेड बिलो, उनके जो रिस्पॉन्स हैं वो टेबलेट या टेबल में दिए गए हैं। व्हाट रिस्पोंडेंट्स डू नॉट ऑन ए स्कूटर, ठीक है, तो यहाँ निकालना है कि किसके पास खुद का स्कूटर नहीं है, ठीक है। टोटल जो रिस्पोंडेंट्स हैं हमारी, ठीक है, वो 300 हैं, यानी कि 300 दिए गए हैं। उसमें से 300 में से ऐसे कितने रिस्पोंडेंट्स हैं, ठीक है, जिनके पास खुद का स्कूटर नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ दिमाग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, किसके पास खुद का स्कूटर नहीं है, ठीक है, डू नॉट ए ऑन स्कूटर, ठीक। अब दिमाग यहाँ लगाना, ठीक है, तो हम यहाँ निकाल रहे हैं, देखो ना, जैसे ये जिसके खुद के व्हीकल्स हैं, देखा ना, जैसे कार है, मैन कितने, कार यानी कि 40 लोगों के पास, ये आदमियों के पास क्या है, कार है, और जो विमेन है वो 34 है, 34 लेडीजों के पास क्या है, कार है, और स्कूटर है वो 30 मैन 20 विमेन बोथ 60 एंड 46 विमेन, ठीक। तो क्या है कि हमें निकालना क्या है कि डू नॉट ऑन ए स्कूटर, कितने रिस्पॉन्सडेंस होंगे जिनके पास स्कूटर नहीं है, खुद का स्कूटर नहीं है, ठीक। तो हम क्या ऐड करेंगे, जिसके पास खुद का स्कूटर नहीं है, यहाँ देखने, यानी कि जो मैन है हमारे 30 जिनके पास खुद का स्कूटर है, और जो विमेन है हमारी 20 उनके पास खुद का स्कूटर है। इसका मतलब ये है कि हम इसको ऐड नहीं करेंगे, हम वो निकालने हैं कि किसके पास स्कूटर नहीं है, खुद के स्कूटर। तो 30 मैन और 20 विमेन के पास खुद का स्कूटर है, ठीक, ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि 30 आदमी और इतनी औरतों, यानी कि 20 औरतों के पास क्या है, खुद का स्कूटर है। हमें क्या निकालना है, डू नॉट, ठीक है, ऑन ए स्कूटर, ठीक। तो ये हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास है, तो क्या हम ऐड करेंगे, यानी कि जो 40 मैन है उनके पास कार है, ठीक है, कार है, तो मे बी ये हो सकता है कि इनके पास स्कूटर ना हो, ठीक, क्योंकि ये क्लियर है कि इनके पास कार है, ये क्लियर नहीं कि इनके पास स्कूटर है, ठीक। तो हम इसको ऐड करेंगे, ठीक, इसमें कहीं नहीं दिया गया कि 40 जो मैन है उनके पास कार है और स्कूटर भी है, ठीक। तो यहाँ पर हम ये ऐड करेंगे, और जो 34 वुमेन है उनको भी ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कार दिया गया है, ठीक, बट बोथ में दिए दिया गया कि इनके पास दोनों कार भी है और स्कूटर भी है, यानी कि 60 लोग ऐसे हैं, ठीक है, आदमी जिनके पास क्या है, बोथ, यानी कि कार और स्कूटर दोनों हैं। जो विमेन है 46 उनके पास दोनों चीज़ें हैं, यानी कार भी है स्कूटर भी है, तो हम इसको भी ऐड नहीं करेंगे बोथ को, ठीक, क्योंकि इनके पास स्कूटर भी है, बेसिकली क्या बोथ का मतलब क्या है, कार भी है स्कूटर भी, और हमें क्या निकालना है, जिसके पास खुद का स्कूटर नहीं है, यानी कि इन लोगों के पास खुद का स्कूटर है और इन लोगों के पास खुद का स्कूटर है, जो मैन है क्या है, वो 40% मैन है जिसके पास सिर्फ कार है, ठीक, वो जो 34 विमेन है उनके पास कार है, ठीक, यहाँ कहीं नहीं दिया गया कि ये मतलब स्कूटर भी है इनके पास, तो हम इन दोनों ये डेटा लेंगे, ठीक है, और ये दिया गया हमें डू नॉट ऑन ए व्हीकल, ठीक, तो इनके पास भी क्या है, इनके पास कुछ नहीं है, ठीक, खुद का कुछ नहीं है, 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, 54 विमेन ऐसी हैं जिसके पास कुछ नहीं है। तो दो डाटा हम ऐड लेंगे, यानी कि ये डेटा कार वाला और ये डेटा, ठीक, इन दोनों को ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई मतलब अपॉन कर देंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, ठीक। परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिस्पॉन्ड है, ठीक है, परसेंटेज में निकालना है कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिनके पास स्कूटर नहीं है, ठीक। तो हम क्या कहा था मैंने कि ये 40% यानी कि मैन का हम डाटा निकाल रहे हैं, मैन जो डेटा है, मैन का जो डेटा है वो ये है, ठीक, इस ब्लॉक में,
और जो विमेन का डेटा है वो इस ब्लॉक में है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, मेन का जो डेटा है, मेन यानी कि ये 40 जिसके पास स्कूटर नहीं है, और 20 ये है। ठीक, तो 40 प्लस 20 कितना हो गया, 60 जिसके पास स्कूटर नहीं है। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, 60 मैन ऐसे हैं, ठीक, आदमी ऐसे हैं जिनके पास स्कूटर नहीं है, प्लस विमेन, ये विमेन का डेटा दिया गया है। तो विमेन में क्या, 34 ऐसी विमेन है जिसके पास सिर्फ कार है, स्कूटर नहीं है, और 50 ऐसी हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है। ठीक, तो ये दो डेटा जुड़ेंगे, इनके पास है तो 34 और ये 50, यानी कि 84 हो गया। तो 84 ये हो गई विमेन जिसके पास स्कूटर नहीं है, 60 ऐसे जिसके पास 60 ऐसे मैन है, यानी कि ये मैन का डेटा हो गया, ये विमेन का डेटा हो गया, मैन ऐसे जिसके पास स्कूटर नहीं है, और 84 ऐसे हैं जिसके पास, यानी कि विमेन ऐसी हैं जिसके पास स्कूटर नहीं है। ठीक है, अपॉन टोटल परसेंटेज निकालें, हमारे टोटल क्या है, 300 रिस्पोंडेंट्स हैं हमारे पास, 300 रिस्पोंडेंट्स दिए गए हैं। ठीक, और परसेंटेज निकालना इसलिए मल्टीप्लाई 100 का कर देंगे। ठीक, ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा, तो इससे ये हट जाएगा। ठीक है, 00 से 00 गई। ठीक, ये डेटा जोड़ो कितना हो गया, 4 और 8 और 6 14, यानी कि 144 हो गया अपॉन 3। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 48% ऐसे हैं लोग जिनके पास स्कूटर नहीं है। ठीक, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 48% ऐसे लोग हैं जिसके पास खुद का स्कूटर नहीं है। ठीक, यानी कि इसका डिवाइड किया मैंने 3 × 12, ठीक, 2 × 8 = 24, यानी कि सही है, 48% ऐसे लोग हैं जिसके पास खुद का स्कूटर नहीं है। ठीक, ये आंसर आ गया।